सत श्री अकाल एबीपी साझा देख रहे दर्शकों का स्वागत है। मैं चरणजीत कौर। बुधवार को मुठभेड़ दे विच ढेर किए गए जगरूप रूपा ते मनप्रीत मनु कोलों जो समान बरामद होया उसकी फोरेंसिक जांच हो रही है। कई तत्व भी सामने आए ने। AK-47 रिवॉल्वर जिंदा कारतूस सने कुछ समान बरामद होया सी जिसकी पड़ताल की गई। तुम दस दें कि रिपोर्ट दे विच की खुलासा होया ते नाल ही दस दें कि किवें मानसा पुलिस की लीड ते अंजाम दिता गया सी ऑपरेशन। मुठभेड़ दौरान ढेर किए गए गैंगस्टर जगरूप रूपा ते मनप्रीत मनु दा पोस्टमार्टम नहीं हो सकिया। उम्मीद जताई जा रही है कि 22 जुलाई नूं दोवां दा पोस्टमार्टम मेडिकल कॉलेज दे विच होएगा। जगरूप रूपा दा परिवार अपने पुत दी लाश लैण पहुंचा होया सी। रूपा तरन तारण दे पिंड जौड़ा दा रहण वाला सी। अज पोस्टमार्टम सारा दिन अमृतसर दे सिविल हॉस्पिटल दे विच नहीं हो सकिया। जानकारी मुताबक कानूनी जो दा पे सी उन्हां दे विच अमृतसर पुलिस सारा दिन उलझी रही ते CRPC धारा 174 ते 176 दी जिहड़ा ताणा सी इस नूं सुलझाउण दे विच पुलिस लगी रही, जिस करके जो इह पोस्टमार्टम नहीं हो सकिया। पुलिस जिहड़ी कारवाई करदी है तां 174 दे तहत हुंदी है, जां मजिस्ट्रेट जदों करदे ने तां 176 दी जिहड़ी है कारवाई हुंदी है, पर इस नूं सुलझाउण दे विच ही सारा दिन पुलिस लगी रही। दस्तावेज भी पूरे मुकम्मल नहीं हो सके, जिस करके मनप्रीत मन्नू ते जगरूप रूपा दोवां गैंगस्टर जिहड़े सी इहनां दा पोस्टमार्टम नहीं होया। ते हुण कल मेडिकल कॉलेज दे विच जो हुण जानकारी मिल रही है, अमृतसर दे मेडिकल कॉलेज दे विच डॉक्टरां दा बोर्ड जिहड़ा है इन्हां दोवां गैंगस्टरां दा पोस्टमार्टम करके लाशां परिवार दे हवाले करेगा। इस तों पहलां सिद्धू मूसेवाला दे पिता बलकौर सिंह भी हस्पताल पहुंचे सन, जिन्हां दे नाल मूसेवाला दे दो दोस्त भी सन। 29 मई नूं वारदात दे वेले इह दोवें दोस्त मूसेवाला दे नाल ही सन। इन्हां ने ही मनु अते रूपा दी शनाखत कीती। सारे जवानां ने बड़े उत्साह नाल काम कीता। ਮੈਂ ਸਮੁੱਚੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਵਿਕਰਮ ਬਰਾੜ ਹੈ, ਅੱਛੇ ਲੋਕ ਨੇ ਯਾਰ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਰ ਆਪਣੇ ਉਹ ਜੋ ਦੋਨੋਂ ਗੈਂਗਸਟਰਸ ਤੇ ਉਨਕੀ ਪਹਿਚਾਨ ਕੇ ਲਈ ਆਪ ਗਏ ਤੇ ਕਿਉਂ ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੀ ਉਨਕੇ ਸਾਥੀ ਹੋਣੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ? ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮੁੰਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧੂ ਨਾਲ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਚਾਨ ਕਰ ਲਈ ਜੀ। मुठभेड़ वाली थां ते फोरेंसिक टीम जांच कर रही है। पुलिस दे हाथ कई अहम सुराग लगे ने। मौके तो एक AK-47 ते दो पिस्तौल सने होर भी असला मिले है। ਉਹਦੀ AK-47 ਜਿਹੜੀ ਰਿਕਵਰ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਬ੍ਰਸ਼ਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨੇ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਟੈਰਸ ਦਾ USA ਮੇਡ ਪਿਸਟਲ 45 ਬੋਰ ਰਿਕਵਰ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਦੋ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਐਕਸਟਰਾ ਰਿਕਵਰ ਹੋਇਆ ਜੋ ADGP ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਗੱਡੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਛੱਡ ਕੇ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਜਿਹਦੀ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਫਾਲੋ ਅਪ ਟੀਮ ਸੀਗੀ ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਛੇਤੀ ਟਰੇਸ ਕਰ ਲਈਏ। ਬੈਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਐਮੂਨੇਸ਼ਨ ਕਾਫੀ ਸੀਗਾ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚਲਾਇਆ ਵੀ ਹੈ, ਔਰ ਕੁਛ ਉੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਕਾਰਤੂਸ ਮਿਲੇ, ਕੁਛ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਸੀਗੇ, ਔਰ ਕੁਛ ਇਹ 'ਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਜੋ ਪਾਰਟ ਆਫ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਆ ਜੋ ਅਸੀਂ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਟੀਮ। ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਮੋਬਾਈਲ ਬਰਾਮਦ ਹੋਇਆ? ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖ ਕੇ ਕੋਈ ਮੋਬਾਈਲ ਬਰਾਮਦ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਹਜੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮੋਬਾਈਲ ਟੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਮੋਬਾਈਲ ਮਿਲਿਆ ਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਟੀਮ ਸਾਡੀ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। मानसा पुलिस नु मिली वड्डी लीड बाद 20 जुलाई नु भयानक गोलीबारी दौरान पंजाब पुलिस ने गैंगस्टर जगरूप रूपा ते मनप्रीत मन्नू नु मार मुकाया सी। पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला दे कतलकांड दे विच दोवें मुलजम लोड़ींदे सन। पुलिस ने कई घंटे चले एनकाउंटर दौरान दोवां नु ढेर कीता सी। इन्हां मुलजमां तक पहुंचण दे लई मानसा पुलिस नु मिली लीड ने वड्डी भूमिका निभाई। खास तौर ते मानसा दे SSP गौरव तूरा ने अपनी टीम नाल मिल के मुलजमां दी पैड नप्पी। ਟੋਟਲ ਇਸ ਜਿਹੜੇ ਕਤਲਕਾਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਸ਼ੂਟਰ ਸੀਗੇ। 6 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 3 ਸ਼ੂਟਰ ਅਸੀਂ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਲਏ ਸੀ। 2 ਸ਼ੂਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਲਰੇਡੀ ਮਾਨਸਾ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ AGTF ਅਤੇ ਹੋਰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਜੁਆਇੰਟ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਲੀਡ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹ 2 ਸ਼ੂਟਰਸ ਹੈਗੇ ਆ ਕੱਲ ਏਰੀਆ 'ਚ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਸਾਡੀ ਮਾਨਸਾ ਦੀ ਟੀਮ ਹੋਰ ਟੀਮ ਸੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀਆਂ, ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬੀ ਫਾਇਰ ਕੀਤਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ 3 ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਲਫ ਡਿਫੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵੀ ਫਾਇਰ ਕੀਤਾ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਸ਼ੂਟਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਦੀਪਕ ਮੁੰਡੀ ਭਿਵਾਨੀ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਆ, ਉਹ ਹਜੇ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡੈਫੀਨੇਟਿਵ ਲੀਡਸ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫੜ ਲਾਂਗੇ। 20 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਪਕਨਾ ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਾਇਆ ਸੀ।
भारत पाकिस्तान बॉर्डर तो लगभग 10 किलोमीटर दूर पिंड पकना कलां दे विच करीब 5 घंटे एनकाउंटर चलिया। नतीजा गैंगस्टर जगरूप रूपा ते मनप्रीत मनु मारे गए। 21 जुलाई नु मुख्यमंत्री भगवंत मान ने डीजीपी एजीटीएफ चीफ अते मानसा एसएसपी सने सीनियर पुलिस अधिकारियों दे नाल मीटिंग कीती। चेतावनी दित्ती कि एक भी गैंगस्टर बख्शा नहीं जाएगा। असी एक भी गैंगस्टर नु बख्शांगे नहीं। पंजाब दे पौने 3 करोड़ तो वध लोकां दी सुरक्षा ते पंजाब दी शांति ते भाईचारा ये मेरी जिम्मेवारी है। सिद्धू मूसेवाला दे कतल दे विच इस्तेमाल हुई बलैरो गड्डी तो इलावा करोला गड्डी नु जगरूप रूपा चला रहा सी ते नाल ही मनप्रीत मन्नू भी सवार सी। पहला मनप्रीत मन्नू ने ही AK-47 नाल फायरिंग कीती सी। मुलजम दी लाश कोलों मिली AK-47 ओही हो सकदी है जिस नाल सिद्धू मूसेवाला ते फायरिंग होई सी। हालांकि डीजीपी मुताबिक पुख्ता गल फोरेंसिक जांच बाद ही दस सकांगे। ऑपरेशन दौरान 3 पुलिस मुलाजम भी जख्मी हुए सन। ABP सांझा दे कैमरामैन सिकंदर भी जख्मी हो गए सन। सिकंदर दी लत दे विच गोली लगी सी। ऑपरेशन दौरान डॉक्टरां ने सिकंदर दी लत दी हड्डी चो गोली कट दित्ती है। कुछ दिनां तक हस्पताल तो छुट्टी मिलन दी उम्मीद है। पुलिस मुलाजमां दी हालत भी खतरे तो बाहर है। सिद्धू मूसेवाला कतल केस दे विच मास्टरमाइंड लॉरेंस बिश्नोई अते जग्गू भगवान पुरिया दोवें ही गैंगस्टर पंजाब पुलिस दे शिकंजे दे विच ने। पर ना सिर्फ मूसेवाला बल्कि होर कतल केसां दे विच वी पुछ पड़ताल कीती जा रही है। दोवां गैंगस्टरां तों लॉरेंस बिश्नोई नूं मलोट पुलिस दे हवाले कीता गया। पड़ताल होवेगी रणजीत राणा कतल केस दी ते गुरदासपुर पुलिस दे हवाले कीता गया जग्गू भगवान पुरिया। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅੜਿੱਕੇ ਆਏ ਗੈਂਗਸਟਰ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ 'ਚ ਕੀਤੇ ਗੁਨਾਹ ਹੁਣ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇਸ 'ਚ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਲਿਆਂਦੇ ਲਾਰੈਂਸ ਤੋਂ ਹੁਣ ਵਾਰੋ ਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਪੁੱਛ ਗਿੱਛ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਮੁਕਤਸਰ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਇੱਕ ਕਤਲ ਦੇ ਕੇਸ 'ਚ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਗਿੱਛ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਮਕਸਦ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮਲੋਟ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਲਾਰੈਂਸ ਦਾ 7 ਦਿਨ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੁਕਤਸਰ ਪੁਲਿਸ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਏ ਜਿਸ ਕਤਲ ਕੇਸ 'ਚ ਲਾਰੈਂਸ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ 22 ਅਕਤੂਬਰ 2020 ਨੂੰ ਮਲੋਟ ਦੇ ਪਿੰਡ ਔਲਖ 'ਚ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਸੀ। 4 ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਨੇ ਰਣਜੀਤ ਔਰ ਰਾਣਾ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ। ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਰੈਂਸ ਦੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ 'ਤੇ ਪੋਸਟ ਪਾਈ ਗਈ। ਕਤਲ 'ਚ ਲਾਰੈਂਸ ਤੇ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਦੇ ਹੱਥ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਰਾਣਾ ਨੂੰ ਬੰਬੀਹਾ ਗੈਂਗ ਦਾ ਕਰੀਬੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਗੁਰਲਾਲ ਬਰਾੜ ਦੇ ਕਤਲ ਬਦਲੇ ਹੀ ਰਾਣਾ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਧਰ ਗੈਂਗਸਟਰ ਜੱਗੂ ਭਗਵਾਨਪੁਰੀਆ ਦਾ ਵੀ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 6 ਦਿਨ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੱਗੂ ਭਗਵਾਨਪੁਰੀਆ ਇਸੇ ਸਾਲ ਜਨਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਭਾਰਤ ਪਾਕ ਸਰਹੱਦ ਨੇੜੇ ਹੋਈ ਫਾਇਰਿੰਗ, ਨਸ਼ਾ ਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਹੈ। ਇਸੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜੱਗੂ ਭਗਵਾਨਪੁਰੀਆ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਦਿਹਾਤੀ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਟ੍ਰਾਂਜਿਟ ਰਿਮਾਂਡ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸੀ। ਜੱਗੂ ਭਗਵਾਨਪੁਰੀ ਨੂੰ ਅੱਜ ਮਾਨਯੋਗ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 6 ਦਿਨ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਇਹ 'ਚ ਇਹ 11/22 ਮੁਕੱਦਮਾ ਹੈਗਾ NDPS ਦਾ 307 ਦਾ, ਉਸ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜੋ ਇਹ ਆਰਮ ਐਮੂਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਡਰੱਗਸ ਦਾ ਹੀ, 53 ਕਿਲੋ NDPS 'ਚ ਡਰੱਗਸ ਹੈਰੋਇਨ ਹੋਈ ਸੀ ਰਿਕਵਰ, ਉਹਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਕ PSF ਸੀਗੀ, ਉਹ ਬੋਰਡਰ ਏਰੀਆ, ਉੱਥੋਂ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਦਰਅਸਲ ਬੀਤੀ 29 ਜਨਵਰੀ 2022 ਨੂੰ ਸਰਹੱਦ ਰਾਹੀਂ ਤਸਕਰੀ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ। PSF ਜਵਾਨਾਂ 'ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ PSF ਦਾ ਜਵਾਨ ਜ਼ਖਮੀ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਤਸਕਰ ਧੁੰਦ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਚ ਦੌਰਾਨ PSF ਨੇ ਕਰੀਬ 53 ਕਿਲੋ ਡਰੱਗਸ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ, 2 ਪਿਸਤੌਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਸਲਾ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਹੋਇਆ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਧਾਰਾ 307 ਦੇ ਤਹਿਤ ਜੱਗੂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ।
ਜਗੂ ਭਗਵਾਨਪੁਰੀਆ ਤੇ ਇਸ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਸਨ। ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਉਸ ਪਾਰ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਣ ਗਏ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ 15ਵੇਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ। द्रौपदी मुर्मू देश के 15वें राष्ट्रपति चुने गए ने। 25 जुलाई नूं अहुदा संभालणगे। तुहानूं दस दें कि किवें देश भर दे विच मनाया गया जशन, खास करके उड़ीसा तों लैके दिल्ली तक किहो जिही सी जशन की तस्वीर, ते तुहानूं दस दें कि द्रौपदी मुर्मू का हुण तक का किहो जिहा रहा है सियासी सफर। द्रौपदी मुर्मू बने देश के 15वें राष्ट्रपति। द्रौपदी मुर्मू ने अपने विरोधी जशवंत सिन्हा नूं हराया। द्रौपदी मुर्मू नूं कुल 577,777 वोट मिले। उड़ीसा के रायरंगपुर तो राष्ट्रपति भवन तक पहुंचने लई द्रौपदी मुर्मू की शुरुआती जिंदगी संघर्ष नाल भरी हुई है। द्रौपदी मुर्मू मयूरभंग जिले के पिंड बैदापोशी 20 जून 1958 नूं पैदा होए। ਉਹ ਸੰਥਾਲ ਆਦਿਵਾਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ। ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣੇ। ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਸਮੇਤ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਅਤੇ ਰਾਜਸੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ 1975 ਤੋਂ 1979 ਵਿੱਚ ਭੁਵਨੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਰਮਾ ਦੇਵੀ ਕਾਲਜ ਤੋਂ BA ਪਾਸ ਨੇ। ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੰਜਾਈ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਕਲਰਕ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੀਤੀ। ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਨੇ ਸਾਲ 1997 ਵਿੱਚ ਕੌਂਸਲਰ ਦੀ ਚੋਣ ਜਿੱਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਉੜੀਸਾ ਦੇ ਰਾਇਰੰਗਪੁਰ ਦੇ ਉਪ ਸਰਪੰਚ ਵੀ ਬਣੇ। ਸਾਲ 1977 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ST ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚੁਣੇ ਗਏ। ਮੁਰਮੂ ਰਾਇਰੰਗਪੁਰ ਤੋਂ 2 ਵਾਰ ਵਿਧਾਇਕ ਵੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸਾਲ 2002 ਤੋਂ 2004 ਤੱਕ ਉੜੀਸਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਬਤੌਰ ਮੰਤਰੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। 2015 ਤੋਂ 2021 ਤੱਕ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਵੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਮਹਿਲਾ ਰਾਜਪਾਲ ਬਣੇ ਜੋ ਆਦਿਵਾਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। द्रौपदी मुर्मू की जित का ऐलान हाले देर रात को हुआ, पर दिन वेले तो ही उन्होंने जित के जश्न शुरू हो गए सन। मुर्मू के पिंड तो लैके दिल्ली स्थित रायसेना निवास तक खुशी की लहर सी। ਇੱਥੇ ਰੁਕਦੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਲਈ, ਪਰ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਉਸ ਪਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ED ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਘੰਟੇ ਕੀਤੀ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ, ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ BJP ਤੇ ਕੀ ਲਾਏ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ। ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਉਧਰ ED ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਤੋਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਰਲਡ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਤੇ ਉਧਰ ਕਾਂਗਰਸ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਨਿੱਤਰੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ BJP ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਗਏ ਧੱਕਾਸ਼ਾਹੀ ਦੇ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਰਾਲਡ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ED ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਵੀਰਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ 11:30 ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ ਨਿਕਲੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ED ਦਫ਼ਤਰ ਤੱਕ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪੂਰੇ ਕਾਫਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰੀਬ 12:15 ED ਦਫ਼ਤਰ ਪਹੁੰਚੇ, ਜਿੱਥੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਰਾਲਡ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਹੋਏ। करीब 2.5 घंटे की पुछगिछ दौरान सोनिया गांधी नु ब्रेक मिली अति ओ वापस अपने घर चले गए।
ईडी दी इस पुछगिछ के खिलाफ सवेर तो ही कांग्रेसी सड़कां ते नजर आए। देश भर च कांग्रेस वालों मोदी सरकार के खिलाफ रोस प्रदर्शन किए गए। दिल्ली तो पंजाब तक सड़कां ते हंगामा हुंदा रहा। दिल्ली च इस पुछगिछ का विरोध कारण सड़कां ते उत्ते कांग्रेसियों नूं पुलिस ने राह दे विच ही टक दिता। पुलिस दे नाल उलझ रहे कांग्रेसियों उत्ते पहला पानी दियां बौछारां कीतियां गईयां अते फिर पुलिस वालों हिरासत च लै लिया गया। पिट्ठू ईडी के पीछे छुप कर कायर मोदी सरकार सच पर वार कर रही है। सोनिया जी सच की लड़ाई लड़ रही हैं। सत्य ना कभी परेशान हुआ है ना पराजित। हम ये ना दबेंगे ना झुकेंगे ना डरेंगे। नेशनल हेराल्ड स्वतंत्रता संग्राम का चिन्ह है। हम ये लड़ाई जीतेंगे और बुलंदी से सामना करेंगे। इतनी बड़ी नेता, उनकी उम्र देखें, उनके स्वास्थ्य की तरफ ध्यान दें। अभी कोविड से उतरी हैं, अब उनको बुला रहे हैं, ठीक है। कानून किसी को मत छोड़ो, मगर तरीके होते हैं। अगर हम मेरे खिलाफ कुछ है मुझे बुलाओ ईडी में, मगर वो अध्यक्ष हैं, 20 साल से कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। कभी कुछ किया है उन्होंने जिससे लोगों की इज्जत उनको ना मिली हो? आज भी अगर आप वोट डलवाओ कि सबसे लोकप्रिय नेता कौन है, मैं आपको दावे के साथ कह सकती हूँ सोनिया गांधी को सबसे ज्यादा। बीजेपी ने तो आपके सत्याग्रह को बताया दुराग्रह है और सिर्फ एक परिवार। वो जो उनको सत्याग्रह करना आता ही नहीं, जो सोशल मीडिया में किसी के खिलाफ लिख दे या कुछ सोच ले, एक बेचारे गरीब बंदा जो कचरा कूड़ा कचरा उठाता है, उसमें किसी ने मोदी जी की तस्वीर फेंक दी, उसका भी नौकरी छोड़ दी। ये तो किसी चैनल ने उठाया। लेकिन तो वो आरोप सही है कि आप लोग एक परिवार को बचाने की कोशिश पूछताछ से कर? देखे, हम अपने अध्यक्ष को बचाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। हम अपने अध्यक्ष के लिए इज्जत और सम्मान का बर्ताव चाहते हैं। उधर यूथ कांग्रेस ने दिल्ली दे शिवाजी पुल उते प्रदर्शन किया। प्रदर्शन दौरान 3 ट्रेनां नूं रोक दिता गया। कांग्रेसी वर्करां ने मोदी सरकार दे खिलाफ नारेबाजी कीती अते गांधी परिवार नूं बदनाम करन दे मोदी सरकार उते इल्जाम लगाए। मैंने कहा आग्रह करने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए थी। जो उनकी पर्सनैलिटी जो उनका है एक, और जो 70+ एज है उनकी, उसमें मतलब ईडी खुद को कहना चाहिए हम घर आगे पूछताछ करेंगे। आप मेरे मान तो पूरे देश में हो रहा है, सरकारें गिराने का काम भी कर रही है, जिस रूप में ईडी का, इनकम टैक्स का, सीबीआई का दुरुपयोग हो रहा है तो जग जाहिर है। देश भर की तरह पंजाब दे विच भी कांग्रेस ने ईडी दी इस कार्रवाई खिलाफ रोस प्रदर्शन किया। चंडीगढ़ च पंजाब कांग्रेस प्रधान राजा वड़िंग की अगवाई च कांग्रेस भवन तो रोस प्रदर्शन शुरू होया। जिवे ही ए मार्च राज भवन वाल कूच कर रहा सी तां चंडीगढ़ पुलिस ने राह दे विच ही रोकण दे लई बैरीकेडिंग कीती। हल्की झड़प तो बाद कांग्रेसियां ते पानी दियां बौछारां शुरू हो गईयां। प्रदर्शन करन आए कांग्रेस दे लीडरां नूं पुलिस ने हिरासत च लै लिया। कि देश दे लोकां नूं इह समझण दी लोड़ है कि भाजपा ने एक सोची समझी साजिश अधीन हिंदुस्तान दे सारिआं नूं अहम ते अजीम लीडर जिहड़े ने, जिहड़े पिछले 18-20 साल दे कांग्रेस दे अध्यक्ष ने, 12-14 साल यूपीए दे चेयरपर्सन रहे ने, जिस दे परिवार ने देश तों इस महान देश नूं आजादी दिवाउण दे विच इक नवाया रोल अदा कीता, जिन्हां दे परिवार दे विच 3 प्रधानमंत्री रह चुके ने, जिन्हां दे परिवार दे 2 प्रधानमंत्री इस देश की एकता ते अखंडता वास्ते अपनी कुरबानी दे चुके ने, उन्हां नूं होर कुछ नहीं है, उन्हां नूं कोई डर फिक्र नहीं। राहुल गांधी जी ने अगे गल कही सी तो अगे तुसीं 12-12 घंटे 5 दिन सद्या, मैनूं 15 दिनां वास्ते भावें 15-15 घंटे तुसीं थक जाओगे, राहुल गांधी नहीं थकेगा, ईडी नूं कहा सी। बट ये तरीका गलत है, ये तरीका जिहड़ा सियासत दे विच तरीका ठीक नहीं है। तो कोई गल नहीं, इहदा इल्जाम इहदा जिहड़ा अंजाम भी है वह भाजपा नूं वड्डी कीमत अदा करनी पई। नेशनल हेराल्ड केस च ईडी सोनिया गांधी नूं पहला ही 3 बार समन कर चुकी है। खराब सेहत दा हवाला दे के सोनिया गांधी 8 जून 11 जून अते 23 जून नूं ईडी अगे पेश नहीं होए सन, जबकि इस मामले च ईडी राहुल गांधी तो 5 बार पुछगिछ कर चुकी है।
पूरा मामला भावे 2012 का है पर इस केस च 2015 नू ईडी दी एंट्री हुई सी। मई महीने के अंत च ईडी ने सोनिया गांधी अते राहुल नू पुछगिछ दे लई समन जारी कीते सन। जेकर इस केस दी पिछोकड़ दी गल की जावे तो बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने साल 2012 च दिल्ली दी पटियाला हाउस कोर्ट च एक पिटीशन दाखिल की सी। सोनिया गांधी राहुल गांधी समेत कई लोगों उत्ते घाटे च चल रहे नैशनल हेराल्ड अखबार नू धोखाधड़ी अते पैसों की हेराफेरी के जरिए हड़प्पन के इल्जाम लगाए सन। नैशनल हेराल्ड अखबार की स्थापना साल 1938 च हुई। संचालन एसोसिएटेड जर्नल लिमिटेड करता सी। आजादी तो बाद कांग्रेस का मुख अखबार बनिया। AGL ही अंग्रेजी च नैशनल हेराल्ड का प्रकाशन करता सी। कांग्रेस तो मिले लोन के बावजूद 2008 च अखबार बंद हो गया। साल 2010 च यंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड यानी YIPL बनिया। AGL नू एक्वायर कर लिया गया। YIPL च सोनिया राहुल गांधी दी 76% हिस्सेदारी सी। कांग्रेस ने AGL दे 90 करोड़ लोन नू YIPL नू ट्रांसफर कर दिता। YIPL ते 50 लाख दे के AGL दी 2000 करोड़ दी जायदाद हड़प्पन दे इल्जाम लगे। ऐसे रुकदे हैं एक छोटे ब्रेक दे लई पर ब्रेक दोस पार भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। DSP सुरिंदर सिंह कतलकांड की न्यायिक जांच होवेगी। गृह मंत्री अनिल विज दे वल्लों ये आदेश दिते गए ने। 19 जुलाई नूं हरियाणा दे नूह दे विच उन्हां दा कतल कर दिता गया सी। टिप्पर नाल उन्हां नूं दरड़ दिता सी जदों गैर कानूनी माइनिंग रोकण गए सन। हरियाणा के तावड़ू च शहीद हुए DSP सुरेंद्र सिंह दा वीरवार नूं पूरे सरकारी सन्मानां दे नाल अंतिम संस्कार कर दिता गया। DSP सुरेंद्र नूं अंतिम विदाई रीति रिवाजां दे मुताबिक उन्हां दे जद्दी पिंड दे विच ही दित्ती गई। इस दौरान माहौल पूरी तरह गमहीन सी, हर अख नम सी अते सुरेंद्र सिंह अमर रहे दे नारे लग रहे सन। शहीद सुरेंद्र सिंह दी मृतक दे वीरवार सवेरे हस्पताल तो लियांदी गई अते पिंड दे स्कूल दे विच रखी गई जिथे पुलिस अधिकारियां तो इलावा इलाके दे हर आम अते खास शख्स ने उन्हां नूं श्रद्धांजलि भेंट कीती। जिस तो बाद उन्हां दी मृतक दे घर पहुंची जिथे पिता दी लाश तिरंगे च लिपटे देख जवान पुत दे हंझू रुकण दा नाम नहीं सी लै रहे। पूरा परिवार ताहां मार के रो रहा सी। हालांकि पहला अंतिम संस्कार दा समां सवेरे 10 बजे दा सी पर बरसात कारण संस्कार वाली थां पानी नाल भर गई सी। पिंड वासियों दी मदद दे नाल पानी खाली कीता गया जिस तों बाद पूरे सरकारी सन्मानां दे नाल उन्हां दा अंतिम संस्कार कर दिता गया। जिस SP साहब के साथ उन्होंने काम किया आप उनसे उनके बारे में पूछ सकते कि सुरेंद्र सिंह कभी अपनी ड्यूटियों पीछे नहीं रहे। हमेशा ही आप मैं अपने मुंह से नहीं बोलूँ आप जाके आप पूछा पड़ताल कीजिए। वो कभी भी पीछे रहने वालों में थे ही नहीं। अगर मैं एज देशवासी मैं फख्र महसूस करता हूँ कि मेरे को सौभाग्य मिला एक ऐसे बहादुर इंसान के घर में जन्म लेने का। लेकिन मैं एक बेटा जैसा फील करता है अपने पिता की मृत्यु पर वैसा भी मतलब मुझे लगा कि बहुत मुश्किल था मेरे लिए सफर की 26 घंटे का सफर मैंने अकेले तय किया। फ्लाइट में 2 फ्लाइटें बदली। 3 दिन पहला DSP सुरेंद्र दी मौत हुई सी पर पुत कैनेडा तो आने कारण वीरवार नूं संस्कार कीता गया। उधर हरियाणा पुलिस ने परिवार दी मांग मुताबिक मामले दी न्यायिक जांच करवाउण दा फैसला ले लिया। हरियाणा सरकार ने फैसला किया है कि DSP सुरेंद्र कुमार की जो माफिया ने डंपर से कुचल कर हत्या कर दी है उसकी जुडिशियल इंक्वायरी करवाई जाएगी और उस क्षेत्र में जो इलीगल माइनिंग हो रही है उसकी भी जांच कराई जाएगी।
हालांकि पुलिस टिप्पर ड्राइवर समेत दोवे मुलजमान नु पहला ही गिरफ्तार कर चुकी है। बीते मंगलवार माइनिंग माफिया दे एक टिप्पर ने डीएसपी नु दिन दिहाड़े कुचल दिता सी। जानकारी मुताबिक तावड़ू दे डीएसपी सुरिंदर सिंह नु अरावली दियां पहाड़ियां नेड़े नाजायज माइनिंग दी पुख्ता खबर मिली सी। जदों डीएसपी अपनी टीम दे नाल मौके ते पहुंचे तां उत्थे धड़ल्ले दे नाल माइनिंग चल रही सी। माफिया टिप्परां च पत्थर भर के लियाए जा रहे सन। ਵੇਖ ਡੀਐਸਪੀ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਡੰਪਰ ਅੱਗੇ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਡੰਪਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਡਰਾਈਵਰ ਨੇ ਡੀਐਸਪੀ ਤੇ ਹੀ ਡੰਪਰ ਚੜਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੀ ਡੀਐਸਪੀ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇਸੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਪਰਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਰ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਏਬੀਪੀ ਸਾਂਝਾ।